भारत की सिंधु बनी विश्व विजेता। 42 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। जी हां, भारत के लिए गौरव की बात। हम बात कर रहे हैं सिंधु की, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लगातार दो बार दो विश्व चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबलों में हारने की 30 और इस चैंपियनशिप में 4 पदक होने के बाद भी स्वर्ण पदक नहीं होने का मलाल, यह सब चीजें भारतीय सुपरस्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को परेशान करती थी। लेकिन इस ओलंपिक रजत पदक विजेता खिलाड़ी ने रविवार को सिंगल्स के फाइनल में नोजोमी ओकुहारा को एक तरफा अंदाज में शिकस्त देकर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। सिंधु के हौसले की जीत हुई और इस तरह से सिंधु ने एक नया इतिहास भी बना दिया। सिंधु 42 साल में इस टूर्नामेंट का फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। 24 वर्षीय सिंधु ने यह खिताबी मुकाबला सीधे गेमों में 38 मिनट में ही अपने नाम कर लिया। सिंधु के सामने इस बार ओकुहारा की एक भी नहीं चली। कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करिश्माई प्रतिभा की धनी पीवी सिंधु ने भारत को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई। पीवी सिंधु का कहना है कि आज रविवार को मेरी माँ का जन्मदिन है, मैं यह जीत उन्हें समर्पित करती हूँ। यह जीत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।